सिया को ढूंढने के लिए राघव रूहान के घर आकर डोरबेल बजाने लगा, लेकिन काफी देर बेल बजाने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो किसी को घर में ना पाकर राघव वापस जाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। आवाज सुनकर राघव रूहान के घर के पीछे वाली खिड़की की तरफ देखने गया तो वहां जाकर उसने एक लड़के को देखा जो अपनी पीठ खिड़की की तरफ किए हुए था। इस वक्त उस लड़के के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ बिस्तर पर एक लड़की जो अभी हंस रही थी वो अचानक से रोने लगी। राघव उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया, इसलिए उस लड़की का चेहरा देखने के लिए राघव उस कमरे की दूसरी खिड़की के पास आया और उस लड़की की तरफ देखने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ गया। वो फोन राघव के घर से था। फोन के दूसरी तरफ से सांता ने राघव को बताया कि सिया घर आ चुकी है। सिया के घर लौटने की बात सुनकर राघव के चेहरे पर स्माइल आ गई। मुस्कुराते हुए राघव वापस मुड़ने लगा, लेकिन जाने से पहले राघव इस लड़की का चेहरा देखना चाहता था जो अभी कुछ देर पहले तो हंस रही थी लेकिन अचानक से रोने लगी। वापस आकर राघव ने जैसे ही खिड़की पर झांक कर देखा तो उस लड़की का चेहरा देखने के बाद राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके सामने इस वक्त जो लड़की थी वो सिया की दोस्त मानसी थी। ये वही मानसी थी जिसने सिया को राघव के खिलाफ भड़काया था। लेकिन मानसी इस वक्त रूहान के घर में क्या कर रही थी? इतना सोचते हुए राघव उस लड़के के चेहरे की तरफ देखने लगा जो मानसी के सामने खड़ा था। तभी विक्रम ने गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए उसका नाम लेकर उसे अपने पास बुलाने लगा। विक्रम की आवाज सुनते ही राघव तुरंत वहां से निकलकर विक्रम के पास चला आया और जल्दी से अपने घर की तरफ चल दिया जहां सिया उसका इंतजार कर रही थी। सिंघानिया मेंशन पहुंचकर राघव ने जैसे ही अपने सामने सिया को देखा तो उसने सबके सामने सिया को कसकर पकड़ा और अपने गले लगाकर माफी मांगते हुए बोला, सॉरी सिया, मैंने तुम्हारे साथ जो बदतमीजी की उसके लिए मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा और तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद तुम मुझे ऐसे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। सिया, आई लव यू। राघव के मुंह से इतना सुनते ही सिया के गाल शर्म से लाल हो गए और वो शर्माते हुए बोली, ठीक है राघव, अब से ऐसा नहीं होगा। अब से मैं जहां भी जाऊंगी तुम्हें बताकर ही जाऊंगी, और मैं तुमसे नाराज होकर नहीं गई। वो तो मुझे रूहान का फोन आया था इसलिए मैं रूहान से मिलने चली गई। देखो वो यहां तुमसे मिलने भी आया है। सिया के इतना कहते ही राघव ने तुरंत रूहान की तरफ देखा जो इस वक्त सिया के बगल में खड़ा था। राघव इस वक्त रूहान को अपने सामने देखकर चौंक गया और अपने आप में बड़बड़ाते हुए बोला, अगर रूहान यहां है तो फिर इसके घर में जिस लड़के को मैंने देखा वो कौन था? और अगर वो रूहान नहीं था तो फिर मानसी किसके साथ थी? इन सभी सवालों में उलझे हुए राघव ने अपने सवालों के जवाब जानने के लिए रूहान से पूछा, तुम अगर यहां हो तो तुम्हारे घर पर कौन है? क्या तुमने अपने घर को किसी? राघव आगे कुछ बोलता उससे पहले ही रूहान ने राघव से कहा, वो घर अब मेरा नहीं है। मैंने तो अपना घर कब का छोड़ दिया। तुमने जब से सिया से शादी की उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, तब से हम लोग वहीं रहते हैं। रूहान का जवाब सुनकर राघव दंग रह गया, क्योंकि कुछ देर पहले राघव ने जिस लड़के को देखा था वो दिखने में रूहान के जैसा ही दिख रहा था। लेकिन अगर वो रूहान नहीं था तो फिर मानसी उस लड़के के साथ रूहान के घर में क्या कर रही थी? राघव यह सब सोच ही रहा था कि तभी सिया ने राघव से कहा, तुम्हें पता है राघव, मैंने जब रूहान को तुम्हारी सच्चाई बताई तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा कि राघव ने मुझसे बदला लेने के लिए शादी की। रूहान ने सिया की बात को बीच में काटते हुए कहा, तुझे पता है राघव, मैंने सिया के साथ बहुत ही गंदा प्रैंक किया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, और वो इतना सुनते ही तुरंत दौड़ती हुई मेरे पास आ गई। इनफैक्ट उसने तुझे भी नहीं बताया कि वो मेरे पास जा रही है, इसलिए तुझे उसे ढूंढने के लिए दर दर भटकना पड़ा। रूहान के इतना कहते ही राघव ने सिया के कंधों पर हाथ डाला और उसे अपने करीब लाते हुए बोला, मेरी सिया ऐसी ही है, उससे किसी का भी दर्द बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर तुम तो उसके सबसे खास दोस्त हो, तुम्हारा दर्द वो कैसे बर्दाश्त कर लेती? वैसे भी दोस्त को खोने का गम क्या होता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि अभी अभी मैंने मानसी को खोया है। राघव ने इतना बोला ही था कि तभी विक्रम अंदर आ गया और रूहान की तरफ देखते हुए चिल्लाकर बोला, अबे साले तू यहां क्या कर रहा है? तू तो दिल्ली शिफ्ट हो गया था ना, तो फिर इतनी रात को मुंबई में क्या कर रहा है?
राघव, रूहानसिया और विक्रम सब लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे क्योंकि कॉलेज में सभी क्लासमेट थे। विक्रम और मानसी राघव के अच्छे दोस्त थे, वही रूहान मानसी और प्रीति सिया के अच्छे दोस्त थे। रूहान विक्रम की बातों का कोई जवाब देता उससे पहले राघव ने सिया के कान में दबी आवाज में कहा, सिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज अंदर चलो। राघव के मुंह से इतना सुनते हैं सिया और राघव हॉल से अंदर चले गए। विक्रम अभी रूहान से अच्छी तरह से बात भी नहीं कर पाया था कि उसके फोन पर किसी का कॉल आया और वो तुरंत रूहान को बाएं कहकर वहां से निकल गया। विक्रम के वहां से जाते ही रूहान उस कमरे की तरफ चल दिया जिस कमरे में राघव और सिया गए थे। रूहान ने उस कमरे में झांक कर देखा तो उसके सामने सिया और राघव एक दूसरे के बेहद करीब थे। सिया को राघव की बाहों में देखकर रूहान के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। रूहान ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचकर दांत पीसते हुए बोला, इस राघव ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और खुद यहां मेरी सिया के साथ खुशियां बटोर रहा है, मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीनकर अपनी जिंदगी में खुशी के दिए जला रहा है। तू क्या सोचता है राघव, सिंघानिया मुझसे मेरी सिया को छीनकर तू सिया के करीब आ जाएगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं तुझे सिया के करीब नहीं आने दूंगा। सिया सिर्फ और सिर्फ मेरी है और मैं किसी को उसके करीब नहीं आने दूंगा। अगर उस दिन तू नहीं आता तो सिया आज तेरी नहीं मेरी बाहों में होती, लेकिन तू चिंता मत कर राघव, अब मैं लौट आया हूं, अब बहुत जल्द सिया मेरी बाहों में होगी। इतना कहकर रूहान उस कमरे के दरवाजे से बाहर हॉल में आ गया और राघव के घर से बाहर निकलते हुए किसी के पास फोन करने लगा और फोन पर किसी को धमकी देते हुए बोला, मैंने बोला था उस राघव को किसी कीमत पर वहां से निकलने मत देना, लेकिन तुम लोगों से एक काम नहीं होता, अब लगता है मुझे ही अपना आखिरी दांव खेलना पड़ेगा। इतना कहकर रूहान ने कॉल कट कर दी और गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोला, देखना राघव, सिंघानिया अब कैसे, मैं तुझे सिया से अलग करता हूँ। तूने मुझसे मेरी सिया को छीना था ना, लेकिन अब मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा, तेरा नाम, तेरी शोहरत, तेरी इज्जत और यहां तक कि तेरी जान सिया को भी। इतना कहकर रूहान जोर जोर से हंसने लगा। आखिर क्या करने वाला है रूहान, क्या रूहान सिया और राघव को अलग कर देगा? क्या राघव ने जिस लड़के को रूहान के घर पर देखा था वो रूहान था या कोई और? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर।